गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविंदर एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे दोस्तों। और सामने है ये गुलाब हिबिस्कस और ये ग्राफ्टेड हिबिस्कस है कलरफुल, और आज हम इसका ही वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा क्वेरी आई है हिबिस्कस की केयरिंग पर। और ये देखिए कुछ ये हरा सा जो इनके ब्रांचेस पे आ जाता है, ये कवक जनित रोग है दोस्तों। और ये आमतौर पर वहाँ होता है जहाँ पर सीलन हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो और धूप का सही इंतजाम ना हो। तो आज मैं आपको इसे हम घर पर ही कैसे सही करें अपने होममेड दवाओं से, तो चलिए मैं आज आपको इसकी केयरिंग हिबिस्कस केयरिंग करना बता रहा हूँ। और हमारे पास टूल में कुछ खास नहीं है, आप ये देखिए एक ब्रश, एक चाकू सादा और राख, नीम की पत्तियाँ कुछ और कुछ कन्नेर की पत्तियाँ, ये सब हमारे औजार होंगे, दवा होगी और इसी से हम अपने हिबिस्कस का इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का विचार। वृक्ष कबो नए फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यहाँ केवल साधुओं के शरीर से तात्पर्य यह नहीं है कि साधु लोग ही दुनिया में दूसरों का भला करने के लिए आए हैं। दोस्तों ये मानव जो शरीर हमें मिला है या जीवन मिला है, ये दूसरों की भलाई में हमें उपयोग करना चाहिए। तो चलिए, तो आज हम इस गुलहड़ की केयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये पॉट पे जो काई आपको दिख रही है, लोग कहते हैं उनके प्लांट पर ये सफ़ेद सफ़ेद आता है, फिर प्लांट सूखना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत पॉट से ही होती है। आप इस पॉट को देखिए, ये बहुत सारी आपको ये कवक काई दिख रही होगी और ये पॉट की जो बेयरिंग व्यवस्था उसे गड़बड़ कर देती है। तो सबसे पहले हमें इसे ही साफ़ करना है, आप चाकू की मदद से या फिर ये लोहे का जो ब्रश आता है नॉर्मल 10-12 रुपए का, इससे साफ़ करें पहले। तो मैं इसे कर लेता हूँ, सबसे पहले यही काम आपको करना है। और ये केवल गुलहड़ के साथ ही नहीं है, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो आपका गुलाब हो, कन्नेर हो या फिर और जो भी फ्लावर प्लांट या फिर फ्रूट प्लांट अगर आपने पॉट में लगा रखे हैं, तो उसे भी आप पहले से ढंग से साफ़ कर लें। तो मैं इसे साफ़ किए देता हूँ पहले। थोड़ा केयरिंग का काम है, ऐसा ना हो कि आपका जो ये क्ले का पॉट है मिट्टी का वो टूट जाए। तो आप थोड़े हल्के हाथों का प्रयोग भी करें। और सर्दियाँ आते ही ये परेशानी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत से लोगों के गुलाब फूल नहीं दे रहे, फ्लावरिंग नहीं दे रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि उनकी पॉट ख़राब हो गई है, उसके बाद मिट्टी ख़राब हो जाती है। मैं पहले भी अपने कई वीडियो में अपने व्यूअर को बता चुका हूँ कि फ्रेंड्स मिट्टी बैठ जाती है और वो आपका जो पॉट है वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद ये कंडीशन होती है। तो आपको ये नीचे भी यहाँ साइड में भी इसे अच्छी तरह साफ़ करना है। गार्डनिंग में सफाई का बहुत महत्व है दोस्तों। हमें लगता है कि हम जैसे भी कर लेते हैं अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधे बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर आप उन्हें रोज़ देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, सफाई करेंगे, वाटरिंग करेंगे, खाद देंगे, तो फिर देखिए आपके पौधे आपके फ्रेंड हो जाएंगे और जैसा आप चाहेंगे वो वैसा ही होगा आपके लिए। तो केयरिंग ज़रूरी है प्लांट की, प्लांट के पॉट की और सॉइल सभी की। हिबिस्कस ऐसा प्लांट है दोस्तों के पूरे वर्ष भर फ्लावरिंग देता है और इसके फ्लावर बड़े सुंदर भी होते हैं, और अब तो ये लगभग सभी रंगों में अवेलेबल है जब से ग्राफ्टेड हिबिस्कस मार्केट में आए हैं। लेकिन इसका जो नेचुरल लुक होता है वो तो इसके देसी गुलाड़ में ही आता है। तो ये लीजिए, हमने अपनी पॉट को जो है वो साफ़ कर लिया, ये थोड़ा मेहनत का काम था। और पॉट जब हमने साफ़ कर लिया तो उसके बाद क्या करना है कि हमें अपने प्लांट की जो ऊपर की एक परत है बहुत हल्के हाथों से इसे आपको साफ़ कर देना है।
वैसे ये काफ़ी उर्वरक होती है, लेकिन अभी हमारा प्लांट खराब हो रहा है तो हम इसे हटा देंगे, ये आपको बस कहना है। और इसे हटाने के बाद दोस्तों इस सॉइल को आप किसी भी प्लांट में यूज ना करें, इसे आप कंपोस्ट में डाल दें या फिर फेंक दें। अच्छी तरीके से निरीक्षण कर लें कोई और शैवाल या कवक, ये जो काई थी ये आपके प्लांट में या पॉट में होनी नहीं चाहिए, कोशिश ये करें अधिकतम अपनी नॉलेज से। और ये हमारी बेसिक थिंक तैयार हो गई, जो पहला चरण है हमारे हिबिस्कस का, इसे हम सिक्योर कर रहे हैं जो इस पे प्रॉब्लम आ रही है सफ़ेद सी। ये गुलाब के लिए भी सेम है और गुलाड़ के लिए भी यही कंडीशन है। अगर आपने क्यारी में लगा रखा है तब भी आप वाटरिंग कम कर दें और उसके बाद अपने चाकू से या खुरपी से सॉइल को ऐसे साफ कर लें, और अगर क्यारी है तो उसके आसपास घास हो तो उसे बिल्कुल निकाल दें। मैं आपको कुछ घास दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये सूख गई है, लेकिन ऐसी घासें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये कवक जनित हैं और ये फिर आपके प्लांट में कवक पैदा कर देती हैं। तो ये हमारा पहला चरण तैयार है, उसके बाद हम दवा बनाएंगे। और दवा बनाने के लिए मैंने पहले आपको बताया राख यूज कर रहे हैं हम और कन्नेर या नीम की कॉम्प्लेन। ये हमारे रसोई की ही राख है, साधारण लकड़ी की जली हुई, और मैंने इसमें बस इतना किया है कि इसमें कुछ नीम की पत्तियां भी जला ली हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, अगर राख आपको नहीं मिल पा रही है तो फिर आप ऐसा कीजिए कि नीम की पत्तियां लीजिए, कन्नेर की पत्तियां लीजिए, उन्हें जलाकर राख आप बना लीजिए। कुछ और भी ब्रांचेस सूखी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कन्नेर सभी के यहाँ लगभग मिल ही जाता है गार्डन में, देसी कन्नेर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसकी कुछ पत्तियाँ लीजिए, नीम की कुछ पत्तियाँ लीजिए, और स्प्रेयर होगा आपके पास, इस स्प्रेयर में पानी भरिए और कुछ पत्तियों को तोड़िए, धोइए पानी से, और फिर हल्के हल्के कट करके इसमें अपने स्प्रेयर में डाल दीजिए अंदर, और 24 घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए रखकर। तो फिर आपका एक हर्बल कीटनाशक बन जाएगा। वैसे हर्बल कीटनाशक बनाने का मैं तरीका आपको पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, और मैंने पहले ये हर्बल कीटनाशक बनाया हुआ है, इसमें पहले से बना हुआ है। तो मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ कि आपके पास कन्नेर हो केवल तब भी काम चल जाएगा। कन्नेर लीजिए, नीम के पत्तियाँ लीजिए, धतूरा मिल जाए धतूरा ले लीजिए, कुछ पत्तियाँ 100 ग्राम पानी में 10 से 20 पत्तियाँ लीजिए और उसे काट कर अगर पेस्ट बनाकर डाल सकें तो और बेहतर है, वरना काट कर ही डाल दीजिए और 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। धूप हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने स्प्रेयर को धूप में छोड़ दीजिए, और उसके बाद ये तैयार हो जाता है। तो हमारा ये कीटनाशक तैयार है, तो अब हम देखिए हमें इसे कैसे प्रयोग करना है वो मैं आपको बताऊँगा, और बहुत साधारण तरीका है इसे प्रयोग करने का। ये हमारा हिबिस्कस प्लांट है और आपको इस पर अपना जो कीटनाशक है उससे स्प्रे करना है अच्छी तरीके से, और आप कोशिश करें केवल आपकी जो ब्रांच है वही ये भीगने पाए, हमें इसकी पत्तियां नहीं भिगोनी है। नीचे आप सॉइल भिगो लीजिए और पूरे ब्रांच पर आप स्प्रे करें अच्छी तरीके से। जैसे हम कोट चढ़ाते हैं लेयर, वैसे ही आपको करना है। पत्तियों से थोड़ा दूर रखें, और पत्तियों से दूर रखने का कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। ये लीजिए हमारा जो है स्प्रेयर हो गया, और उसके बाद जो राख है वो राख आपको इस पर ऐसे छिड़काव करनी है, जिससे ये राख आपके ब्रांचेस से चिपक जाए, जहाँ कहीं कवक ज़्यादा दिखे वहाँ पर ज़्यादा राख यूज करें, और फिर हल्का सा, फिर बहुत हल्का यूज करें स्प्रेयर, और फिर राख लें अपनी, और ये हमारा जो होममेड तरीका है वो आप समझ में आ रहा होगा।
ये तैयार हो गया आपका। तो ये दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट पूरा हुआ। आप ध्यान रखें कि राख आपकी पत्तियों से छेड़ाखानी ना करे। अगर पत्तियों पर कीड़े लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पत्तियां आपकी सही हैं तो पत्तियों को राख से बचाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और आप अपने जो प्लांट हैं और जो ख़राब हो रहे हैं कवक से वो आप बचा सकेंगे। प्लांट को करीब एक दिन छाया में रखें और उसके बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं। ये राख हिल जाए तो फिर आप फिर स्प्रे कीजिए और राख का एक और कोट चढ़ा दीजिए। फिर दो तीन दिन धूप में रखिए तो फिर दो या तीन बार में आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से प्लांट एक बार के ट्रीटमेंट में ही सही हो जाते हैं। सही प्लांट होने का जो निशानी है वो है कि जब आप राख हटाएंगे तो वहाँ पर वो सफ़ेद स्थान की जगह आपको जब राख को साफ़ करेंगे ब्रश से तो जो कवक है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और ब्रांच आपकी बिल्कुल न्यू निकल आएगी वहाँ पर। तो फिर आप समझ जाइए। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। अगर कोई क्वेरी हो तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। वीडियो पसंद हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू।